हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। हिस्ट्री एमसीक्यूज की सीरीज देख रहे थे हम लोग, उसमें हमने 3 सेट देख चुके हैं, ये चौथा सेट है। इस सेट में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम क्रैकर बाय के बॉय। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे और लोग भी इससे पढ़ पाएँ। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया गया? थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, ट्रस्टीशिप थ्योरी, ट्रस्टीशिप सिद्धांत के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया था, पहली बार मास मूवमेंट कब किया था, पहली बार यह भारत के अंदर पूछ रहा है। ये गांधी जी ने भारत से बाहर भी पहली बार इन चीज़ों का प्रयोग किया है। आप लोगों को वो बताना है जो गांधी जी ने पहली बार भारत के अंदर भूख हड़ताल कब की थी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, अहमदाबाद हड़ताल 1918। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिस्कशन ऑफ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन की चर्चा में गांधी जी को क्या मिला, यानी भारत को क्या मिला, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस को क्या मिला? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य का प्रशासन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्यों का अनुसरण करने का सही वर्णक्रम कौन सा है? विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आचार्यज? ये वैसे एंशियंट का आंसर है दोस्तों, जिसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शन ए शंकर, रामानुज, माधव और चैतन्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तूर वॉज बिल्ट बाय? ये पूछ रहा है कि टॉम्ब ऑफ यानी टावर ऑफ विक्ट्री, विजय का टावर किसके द्वारा बनवाया गया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, राणा कुंभ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विच एडमिट्स द फॉलोइंग साइट्स मॉन्यूमेंट इन इंडिया इज नॉट ऑन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज? भारत में निम्नलिखित स्थलों में या स्मारकों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में नहीं है। बाकी एलोरा गुफाएं, कुतुब मीनार, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या तीनों यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, द जातकाज डील्स विद द इवेंट रिलेटेड टू। आपको ये बताना है दोस्तों कि जातक की कथाएं किससे संबंधित हैं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं जातक कथाएं। आपको पता ही होगा दोस्तों, जातक कथाएं गौतम बुद्ध के बचपन की कथाओं को कहा जाता है, जिसके बारे में हमें बुद्ध चरित्र के अंदर भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8,
वाई कुड ब्रिटिश ओनली सक्सीड इन ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, अंग्रेज भारत में केवल व्यापार और वाणिज्य में ही क्यों सफल हो सके? ऐसे क्या कारण थे भारत के अंदर जिससे अंग्रेजों को व्यापार और वाणिज्य में सफलता प्राप्त हुई दोस्तों? क्या वह सरकार के समर्थन के कारण हुआ, या उनकी क्वालिटी ऑफ द मर्चेंडाइज, उनके माल की गुणवत्ता अच्छी थी, या ये सभी कारण हैं? लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी, उनकी नौसेना सर्वश्रेष्ठ थी। राष्ट्रीय चेतना को औपचारिक अवधारणा के रूप में किसने विकसित किया? हुई वर्ल्ड द नेशनल कॉन्सिक्वेंस एज अ परफॉर्म फॉर्मल कॉन्सेप्ट? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग? बुद्ध का गणतंत्र किस से है? इसका आंसर है दोस्तों नन ऑफ दीज, लिच्छवी, शाक्य, मल्लाज। तीनों ही बुद्ध के गणतंत्र में से एक भी नहीं है। लेकिन इसका आंसर दोस्तों अलग है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे इसको कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में से एक तेज वर्ग विभाजन था, इससे स्पष्ट है। देयर वॉज अ शार्प क्लास डिवीजन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, दिस इज क्लियर फ्रॉम द। इन दोनों में क्या अंतर था जिसको हम सामने से आराम से देख सकते हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के आवासों की खुदाई। अंडर हूज वायसराय रॉलेट द वाइट म्यूटनी अकड? किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रिवील है। द ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन द एंशेंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द बर्शिप ऑफ। आज की वैली और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध में किसकी पूजा से साबित होता है? इसका आंसर वैसे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, स्टोन, ट्री एंड एनिमल्स, पत्थर, पेड़ और जानवरों की पूजा। आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज वर्मा नाउ म्यांमार नोन टू एंशियंट इंडियंस? इसका आंसर दोस्तों शायद एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज में भी है, जिसमें ये पूछा था द गोल्डन पैगोडा। प्राचीन भारतीयों को वर्मा अब म्यांमार कैसे जाना जाता है? स्वर्ण भूमि के रूप में हम प्राचीन भारत में म्यांमार को जानते हैं। Which of the following pairs is wrongly of Baghdad was strictly observed by Muslim king in India because? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बगदाद का गलत है भारत में मुस्लिम राजाओं द्वारा सख्ती से मनाया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, खलीफा को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक प्रमुखों के रूप में माना जाता है। खलीफा को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक प्रमुख यानी कानूनी प्रमुख के रूप में माना जाता था। दुनिया के सभी मुस्लिम राज्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। वह सभी मामलों को कुशलता से तय करते थे। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुनिया के सभी मुस्लिम राज्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते थे।
गूजक उस स्थान का नाम है जहाँ, ये क्वेश्चन भी दोस्तों मिडिवल का रिलेटेड है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। जयपाल अपने दुश्मन सबुद्दीन से मिले, जयपाल मेट हिज एनिमी सबुद्दीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेटमेंट अबाउट अमीर खुसरो इज़ नॉट ट्रू, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अमीर खुसरो से सही संबंध नहीं रखता है। आपको याद होगा दोस्तों अमीर खुसरो वर्क फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खुसरो कौन है? अगर आपको ये पता है अमीर खुसरो कौन है तो आपको ये क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। ऑप्शन सी, एक महान इतिहासकार थे। ऑप्शन डी, उन्होंने हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखी। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जिसने मेरे साथ ही एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न की पढ़ाई की थी, उन लोगों के लिए क्वेश्चन निकालना आसान है। एक मिनट सोचिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर ऑप्शन ए, उन्होंने मुस्लिम हिंदू एकता के लिए काम किया। क्वेश्चन नंबर 18, सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांधी जी के जन्मदिन पर वर्ष में शुरू किया गया था। आपको ये बताना है दोस्तों, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गांधी जी के बर्थ पर लॉन्च हुआ था वो किस साल में लॉन्च हुआ था। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 1952। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हैदराबाद देवगिरी क्यों बदली थी, आपको ये कारण बताना है दोस्तों कि एमबीटी ने किस कारण से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में बदली थी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि दक्कन में इस्लाम फैलाना चाहता था फ्रॉम मंगोलियन इन्वेजन, क्योंकि वह मंगोलियाई आक्रमण से बचना चाहता था। यानी उसने ये कहा था मंगोलियाओं के आक्रमण से बचने के लिए या फिर उनको सबक सिखाने के लिए दिल्ली में एक सेना का निर्माण किया था या रखी थी। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, दोस्तों यह क्वेश्चन पीसीएस, लोअर पीसीएस और कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, यह आज का क्वेश्चन है, अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स बिलोंग टू विच पीरियड, सबसे प्राचीन भारतीय सिक्के किस काल के हैं, ये आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम क्रैकर बाय के बॉय।